टूट जाएगा यार। चुप कर रहे। तो आज है हमारी राइड का नेक्स्ट डे जिसमें हम जा रहे हैं। रुको पता नहीं होता नेक्स्ट डे यार टेबल का ले रहे सकल तो आई नहीं रहे किसी की। अब किसकी सबकी कैसे आएगी यार इसमें? नहीं आएंगे आप खड़े होके बनाओ। हाँ आपको लोगों के साथ चलो ठीक है आप बनाओ। तो आज क्या है मतलब ईद है अख्तर भाई हमें पार्टी दे रहे हैं। ईद की पार्टी दे रहे हैं। ईद की पार्टी दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ये ऋषि अख्तर सुरजीत और ये हमारे सौरभ इन सब से हम आज विदा लेंगे यहाँ पे। ये लोग हमें कहाँ पे मिले थे? हम लोग मिले थे तंडित हुंडर में मिले थे। हाँ हम सब लोग हुंडर के रास्ते में मिले थे मतलब के लास्ट टाइम नहीं पहले टाइम मिले थे। अरे हुंडर के रास्ते में नहीं इन लोगों को रूम नहीं मिल रहा था हम लोगों ने इनको रूम दिलवाया था। तो उस चीज के लिए हम सभी लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोग काफी अच्छे ट्रेवल पार्टनर रहे साथ में रहे सभी लोग और बस सारे वीडियो भेजते हैं ना लीडर है। वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत सही और कृपया वीडियोस को केवल लाइक ही करें डिसलाइक ना करें। तो आज फटाफट ये हमारा जो ब्रेकफास्ट ये फिनिश करते हैं। उसके बाद क्या है ये चारों लोग हैं ना इनकी आइटनरी थोड़ी सी चेंज है। आज ये एक दिन यहाँ पे स्टे करके यहाँ पे कोई लोकल वैली है चार घंटा है भाई ओके। ये लोग गुरेज वैली जा रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं जम्मू के लिए। तो आज इन लोगों को हम कह देते हैं टाटा टाटा ऋषि बाय 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 मिलते हैं बाय बाय मनोज बाय बाय सुरजीत। वैसे भी गाइस दिल्ली टू जयपुर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कभी हम लोग मिलेंगे बाकी ट्रिप तो बंदी रहेगी। हाँ देखते हैं वैसे भी हम लोग फिर पहले दिल्ली फिर शायद हो सकता है चंडीगढ़ या फिर हो सकता है पता नहीं किस रूट से जाएंगे मेरे को पता नहीं है। हमारे लीडर वहाँ सामने नहीं है वो लीडर जहाँ जहाँ चलते हैं हम पीछे पीछे वो लेते हैं। डॉक्टर को पसीने कितना पसीने आ रहा है। तो अभी निकल रहे हैं इस होटल में रुके थे यहाँ पे ओके मिलते हैं वापस आएंगे तब यहीं में आएंगे। बाय बाय डॉक्टर अभी भी रह गया था क्या पीछे? बाय 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 आप भी डॉक्टर का कैमरा बने बाय 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 अरे बाय बाय जाना यार देखे देखे बोलते धक्की मार के जाना ओके। सब बाइक्स वगैरह रेडी हैं और उसके टायर का थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी देखते हैं हम टायर वगैरह को चेंज करवाते हैं नहीं करवाते वट एवर। तो अब टाइम आ गया है निकलने का और ये जो होटल है इसमें रुके थे हम लोग। अभी तक हमारे जो किलोमीटर हुए हैं वो 8809 और 203 कल हमने किए थे इसको मैं जीरो कर देता हूँ हाल फिलहाल। बाय बाय अरे चलो बाय तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ होटल से अभी और जस्ट डल लेक के सामने ही ये हमने होटल लिया था और आज फिर से पूरे बारिश के अंदर हम लोगों को रास्ता कवर करना पड़ेगा और आज का जो सफ़र है वो बता रहे हैं 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। यहाँ से हमें सीधा जम्मू पहुँचने की कोशिश करेंगे बाकी देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहता है। मौसम तो आज थोड़ा ख़राब ही है और जिस होटल में रुके थे होटल का स्टे काफ़ी बढ़िया था स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया था और ईद की वजह से थोड़ी सी समस्या थी स्टाफ की बट हाँ फैसिलिटीज़ वगैरह सारी बढ़िया थी उस होटल में। वैसे प्रीफर तो ये करें कि यहाँ पे जो बोट हाउस है उनमें रुके आराम से आपको दो तीन हज़ार के अंदर पूरा एक रूम मिल जाता है। ये जैसे देखिए यहाँ पूरे साइड में बोट हाउस है इस मेन रोड पर लेकिन यहाँ पार्किंग की एक समस्या है। इस टाइप से आपको ये मेन रोड पे कहीं पे भी पार्क करवा देंगे। ये मेरे को ऐसा लगा जैसे सत्या की गाड़ी है क्योंकि उसके पास भी सेम ही है। तो आपकी बाइक ये ऐसे रोड पे किसी भी मॉल के सामने किसी भी दुकान के सामने पार्क करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का इशू रहता है थोड़ा। तो
थोड़ा बाइक से आओ तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको ये हाउस बोट वगैरह में लेने में, और बाकी पर्सनल कार वगैरह से आओगे तभी आपको थोड़ी पार्किंग की समस्या आ सकती है। किसी पेड़ पार्किंग में आप या तो गाड़ी को लगा के आ जाएं, या फिर आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू या इनके थ्रू करें तो उनके थ्रू आप इजीली यहाँ पे अपनी जो भी गाड़ी की व्यवस्था है वो सब करवा सकते हैं। तो नमस्कार, वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स सैम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ, और यहाँ पे आज हम लोग निकल के जा रहे हैं आज हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर से। कल रात को हमने शिकारा में राइड करी थी और उसके जो चक्कर है उसके अलग अलग प्राइसेस हैं, 1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के। तो वहाँ पे हमको मिले थे साहिल, और साहिल ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको जो डल लेक है उसका राउंड करवाया, बहुत सारी जो शॉप्स है वहाँ पे वो विजिट करवाई। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो डल लेक के अंदर एक राउंड तो बनता ही है यार, यहाँ की फेमस चीज़ है फ्लोटिंग। आपको मार्केट मिलेगा फ्लोटिंग, वहाँ पे रेस्टोरेंट होटल सब आपको वहाँ पे फ्लोटिंग मिलेगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो भी लेना ज़रूरी है। टाइम की बात करूँ तो 9:17 हो गए हैं, और टेम्परेचर अभी जो बाइक शो कर रही है वो कर रही है 23, बाकी 23 से तो थोड़ा सा कम ही लग रहा है मेरे को क्योंकि ठंड है। 23 तो ये बाइक अपने सराउंडिंग के इंजन के आसपास का टेम्परेचर शो करती है, तो वो तो इंजन की गर्मी से थोड़ा सा चेंज भी होता है। यार अभी 9:45 हो गए हैं और बारिश अभी भी कंटिन्यूस हो रही है, और हम तहे दिल से यहाँ पे सलाम करना चाहेंगे इन ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को, जो यहाँ पे हाईवे पे इस बारिश के अंदर भी हर एक किलोमीटर के ऊपर जवान तैनात है, बिल्कुल फुल मुस्तैदी के साथ। ऐसे नहीं कि आप बैठे हो या कुछ, बिल्कुल अपने पूरे हथियारों के साथ पूरा मुस्तैदी से इस बारिश के अंदर भी हम लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं, भीग रहे हैं। यार ये जज्बा सभी में नहीं आ सकता, विरले ही लोग होते हैं जिनमें ये सारा ये जज्बा होता है। दिल से सल्यूट इंडियन आर्मी को, दिल से सल्यूट। हो गया 800 का आया है और प्राइस 103.79। ऑफ कर दो उसको, इससे पता लगता है अपने वापस जाने की शुरुआत हो चुकी है। आने से भी पहले पेट्रोल पंप पे गिरी थी जाते टाइम भी पेट्रोल पंप पे गिर रही है। यहाँ पे फिर से समस्या, और इसमें भी पानी वानी नहीं जाना चाहिए।
तो यहाँ पे पीछे में टायर की स्थिति ऐसे कुछ है, मतलब यहाँ से भी शायद प्लेन हो गया है, तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये जो टायर कैरी कर रहे हैं इसको अभी फिट करवा लेते हैं फिर यहाँ पे। जी भैया करवा लेंगे इसको भी। ये सब टायर दिखा ले, टायर कंडीशन।